मेरा नाम रोहित वर्मा है, फिर से हाजिर हूं आपके पास एक नए विश्लेषण के साथ एसपीएल न्यूज। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को विरोध करने का पूरा अधिकार है और सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि प्रदर्शन भी चलते रहे और विशेष समिति भी किसानों की मांगों पर बातचीत भी हो। किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए दायर हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें किसानों और सरकार दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिनिधि हो और किसान विशेषज्ञ भी हो, कृषि विशेषज्ञ। गुरुवार को अदालत ने कहा कि समिति की कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन दोनों साथ चल सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जजों की पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार से पूछा कि क्या यह संभव है कि जब तक इस सुनवाई का फैसला ना हो जाए तब तक नए कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाए। इस पर सरकार द्वारा असमर्थता जताने पर अदालत ने पूछा कि क्या सरकार कम से कम इतना आश्वासन दे सकती है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इन कानूनों के तहत कोई शासनात्मक कदम नहीं उठाएगी। इस पर सरकार की तरफ से जिस जिरह कर रहे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस पर सरकार से आदेश लेकर बताएंगे। मुख्य याचिकाकर्ता के वकील हरीश सालवे ने कई बार अदालत को कहा कि प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली में आम लोगों का जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन अदालत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। पीठ ने इसलिए भी कोई आदेश नहीं दिया क्योंकि 8 किसान संगठनों का कोई भी प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल नहीं हुआ था। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन यानी भानु की तरफ से अधिवक्ता एपी सिंह शामिल हुए थे। अदालत ने बाकी संघों को नोटिस भेजने के लिए भी कहा ताकि आगे की सुनवाई शुक्रवार को या छुट्टियों के दौरान हो सके। अदालत सोमवार 21 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक क्रिसमस अवकाश के लिए बंद रहेगी। इस दौरान एक विशेष अवकाश पीठ मामले पर सुनवाई जारी रख सकती है। प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली की सीमाएं बंद होने से हो रही असुविधा की दलील पर पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए। मुख्य न्यायाधीश ने किसानों के विरोध करने के अधिकार का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि जब तक कोई हिंसा नहीं होगी तब तक विरोध करना किसानों का अधिकार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 8 आश्वासन जिन्हें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार 23 दिनों से जारी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्नों का एक खुला पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम लिखे हुए पत्र को पढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे राजनीतिक स्वार्थ के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम से बचें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और किसानों के बीच झूठ की एक दीवार खड़ी करने की साजिश रची जा रही है। किसानों के नाम लिखे पत्र में तोमर ने दावा भी किया कि 3 कृषि सुधार कानून भारतीय कृषि में न्याय अध्याय की नींव बनेंगे, किसानों को और स्वतंत्र तथा सशक्त करेंगे। कृषि कानूनों को ऐतिहासिक करार देते हुए तोमर ने कहा कि इन सुधारों को लेकर उनकी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई और कई किसान संगठनों ने इनका स्वागत किया। उन्होंने कहा
कि वो इससे बहुत खुश है और किसानों में एक नई उम्मीद जगी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी मिले जिन्होंने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इन कृषि सुधार कानूनों पर दूसरा पक्ष ये है कि किसान संगठनों में एक भ्रम पैदा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर कर, मेरा दायित्व है सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। इस पत्र में कृषि मंत्री ने लिखा कि कृषि सुधारों को लेकर भ्रम पैदा कर दिया गया है। पिछले 20 से 25 वर्षों में किसी भी किसान नेता या संगठन का कोई बयान दिखा दे जिसमें कहा गया हो कि किसानों को उपज का बेहतर विकल्प नहीं मिलना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी, एपीएमसी को अधिक मजबूत किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कृषि मंत्री के वो 8 आश्वासन क्या है। पहला, किसानों को जमीन को कोई खतरा नहीं है, मालिकाना हक उन्हीं का है। दूसरा, किसानों को तय समय पर भुगतान किया जाएगा। तीसरा, तय समय पर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। चौथा, खुले बाजार में अच्छे दाम पर फसल बेचने का विकल्प भी होगा किसानों के पास। पांचवा, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। छठा, मंडियां चालू है और चालू रहेंगी। सातवा, करार फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं होगा, किसान जब चाहे करार खत्म कर सकते हैं। आठवा, एपीएमसी मंडियां कानून के दायरे से बाहर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचाने और सिरे से खारिज करें। अभी दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।